आर्मी वालों ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि मेरे सिस्टर के साथ आग लगने की घटना घटी है, ठीक है, शाम में 5 बजे की, और साढ़े 5 बजे मुझे फ़ोन आया था, ठीक है, मेरे मदर के नंबर पे। मैं हम लोग रात में बस लेकर नसीराबाद आए, नसीराबाद में बाईपास पर ही आर्मी वालों ने गाड़ी से मुझे पिकअप कर लिया और कमांडेंट के ऑफिस में ले गए, जहाँ कमांडेंट ने मुझे बताया आपके सिस्टर के साथ जो आग लगने की घटना घट गई है, हमने पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन कर दिया, आप हमें जो है सारा कानूनी कार्रवाई कर लो, पुलिस के वाले के साथ सारा कानूनी कार्रवाई कर लो, उसके बाद सिस्टर से मिल लेना। मैंने उनसे कहा कि भाई आप सिस्टर से, पहले मैं सिस्टर से मिलना चाहता हूँ, जहाँ घटना घटी वो देखना चाहता हूँ, और दो महीने का बच्चा है उससे मिलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बच्चे का क्या कंडीशन वो जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कोई कार्रवाई करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे प्रेशर बनाया गया कि नहीं आप पहले ये कर लो। मैंने कहा कि सर जो पेपर पर करना है, साइन विन करना है, साइन कर देता हूँ, मैं पहले सिस्टर देखना चाहता हूँ। साइन करने के बाद जो है, मैं सिस्टर से 2 मिनट के लिए मिलने दिया मुझे, जिससे सामने आर्मी वाले प्रेजेंट थे उस समय, ठीक है, सिस्टर उस समय कुछ बता नहीं पाई, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया कि 90% जल गई है, ठीक है। मैं उसके बाद आके आर्मी ऑफिसर से मैंने पूछा कि सर इनका FIR दर्ज हो गया, कंप्लेन दर्ज हो गया है, तो यार उन्होंने बताया हाँ FIR दर्ज हो रखा है, तभी तो पुलिस वाले आए हुए थे, आपको कागजी कार्रवाई किए हैं। उसके बाद इन्होंने 5 तारीख को मेरे सिस्टर को रेफ़र कर दिया दिल्ली RR हॉस्पिटल में, जहाँ पर 5-10 तारीख को उनके इलाज के दौरान एक्सपायर कर गई। मैं गांव चला गया उनके क्रियाकर्म के लिए, वहाँ से लौट कर मैं 7 तारीख को नसीराबाद थाना से कांटेक्ट किया कि भैया जो मेरे सिस्टर के साथ घटना घटी है उसका क्या स्टेटस है, क्या जाँच है, ठीक है। उन्होंने धमकी देते हुए यूज किया कि भैया तुम यहाँ नसीराबाद छोड़ दो, तुम्हारे सिस्टर के साथ कोई कुछ नहीं हुआ है, तुम अब लड़के पक्ष को ब्लैकमेल करना चाहते हो, इसीलिए आया हो। मैं कहा कि मैं कहाँ ब्लैकमेल कर रहा हूँ, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा जो बहन के साथ घटना घटी है वो क्या घटना घटी है, ठीक है, क्योंकि इनके मेरे जीजा के खिलाफ जो पहले भी आर्मी में दारू पीकर मारपीट करने के लिए 2-2, 3-3 बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रखी है, तो मैं वही चीज़ जानना चाह रहा था, हो क्या रहा है, ठीक है। मेरे आज आप कहाँ पे आए और क्या आरोप लगाने के लिए? मैं यहाँ पर SP साहब से मिलने आया हूँ। मुझे अब शक है कि भैया जब मेरे सिस्टर के घटना का जो है ना FIR दर्ज हुआ है, ना कंप्लेन दर्ज हुआ है, तो सभी लोगों ने मिलकर एक साजिश रच के मेरे सिस्टर के साथ मारी गई है, और मैं इसका निष्पक्ष जाँच चाहता हूँ जिसमें नसीराबाद पुलिस शामिल ना हो, क्योंकि SP साहब से गुहार करूंगा, क्योंकि नसीराबाद के जो CI साहब हैं वो मुझे ऑलरेडी धमकी दे रहे थे, तू जा जो करना है कर ले, इस केस का कुछ नहीं हो सकता है, मैंने 32 के तहत बयान ले लिया है उसका, तू अब कुछ नहीं उखाड़ सकता है उस परिवार वालों को। कौन है जीजा? जीजा मेरे गिरीश पाठक है, आर्मी में लांस नायक में है, ठीक है, 150 फील्ड रेजिमेंट में है, मैं वहाँ के कमांडेंट थे कर्नल फौजदार, उनसे ही उन्होंने ही बताया था कि FIR दर्ज हो रखी है, ठीक है, कुछ दर्ज नहीं। मैं और मैंने SDM ऑफिस में भी चेक कर लिया ना, वहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट है, यहाँ पर नसीराबाद कोर्ट में भी पेश कर लिया है, वहाँ पर कोई रिपोर्ट नहीं है, FIR की कोई कॉपी दर्ज नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं इसमें साहब से गुहार है कि भाई मेरे बहन के साथ क्या हुआ है, ठीक है, क्यों हत्या की गई है, ठीक, दबाने की कोशिश कर रहे पुलिस ने, पूरी तरह दबाने की सर कोशिश किया गया है, क्योंकि अगर कुछ भी रिपोर्ट होता तो वह थाने में केस दर्ज होता, कंप्लेन दर्ज होता, ना थाना में केस दर्ज है ना कंप्लेन दर्ज है, इतनी बड़ी घटना घटी है आर्मी कैंप के अंदर में, उसका कुछ नहीं दर्ज है, तो मामला दबाया ही जा रहा है, और जब मुझे नसीराबाद छोड़ने की धमकी दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है? क्या नाम है बहन का? बहन का नाम आरती पाठक है। कब हुई शादी? ये फरवरी 2011 में शादी हुई थी। पहले किसी को फोन होना है क्या पैसे की मांग को लेकर? हाँ, पैसे उन्होंने, मेरे जीजा घर बना रहे हैं तो उन्होंने कुछ पैसा डिमांड किया था, ठीक है, मैंने 3 लाख रुपया दिया था, ठीक है, मेरे फादर ने, बाकी के और पैसे डिमांड कर रहे थे फिर घर के लिए, तो मैं डायरेक्टली ना बोल रहे थे दहेज के लिए, लेकिन एक प्रकार से था कि वो पैसे कर रहे थे घर बना रहे हैं, हेल्प कर दीजिए, मदद कीजिए, तो मैंने कहा कि अभी रुक जाइए, अभी कुछ टाइम है तो पैसा कहीं से आने वाला है तो मैं और हेल्प कर दूंगा। मैं क्या नाम है? मेरा नाम किशोर कुणाल है सर, दिल्ली रहता हूँ मैं।